This news is brought to you by CS Computer Education, lead by Chotu Sharma. इंदौरा ब्लॉक की बसंतपुर पंचायत के रतनगढ़ में ग्रामीणों ने एकजुट होकर खनन माफिया को दौड़ा दौड़ा कर भगाया। कई महीने से लगातार हो रहे अवैध खनन से तंग आकर ग्रामीणों ने गुरुवार रात एसपी नूरपुर अशोक रत्न से इसकी शिकायत की और फिर इकट्ठा होकर मौके की तरफ निकल पड़े। इसकी सूचना खनन माफिया को लग चुकी थी। उन्होंने तुरंत अपनी ट्रालियों को खाली कर मौके से भागना ही ठीक समझा। ग्रामीणों की इस कार्रवाई से खनन करने वालों में हड़कंप मच गया है। एसपी अशोक रत्न के तुरंत आदेश पर ठाकुरद्वारा चौकी के प्रभारी मनोहर शर्मा, इंदौरा थाना की टीम शिकायत के तुरंत बाद मौके पर पहुंची। तब तक ग्रामीणों ने स्पॉट पर एक जेसीबी और एक लोड ट्रॉली को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। हाँ जी सर, क्या प्रॉब्लम? कि सारा सुन नहीं देंगे जी, एक ट्रैक्टर वाले सारा रात चल दिया, धमकियां मार दे, फिर लोगों को कहते कि देख लेंगे, तो भी देख लेंगे, ये भी कर देंगे, वो तो करेंगे। तो आज क्या कार्रवाई की आप गांव वालों ने? गांव वाले ने फड़िया ट्रैक्टर ट्राली, जेसीबी फड़ी है, ट्राली फड़ी है, पुलिस हवाले की थी। अवैध खनन बंद करो। एक ट्रैक्टर वाला इदा गया, उन्होंने कोई बंदा थले लैन लगे था, हाँ घट्टो घट 15 ट्रैक्टर लगे रोज जंदे हैं इन्हां दे। रोज दे 15 ट्रैक्टर खनन कर रहे हैं? हाँ। तो पुलिस को शिकायत नहीं की कभी आप? कई बार शिकायत की है, पुलिस वाले कहते हैं वो कमा खा रहे हैं, कमाने दे उनको। मिट्टी पानी है गन्ना लगे गन्ना लगे दस साल हो लगे दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मेलवा से सुनील कुमार की रिपोर्ट। बिल्ड योर करियर विद 6 months प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन ASP.NET, PHP, Python, Java, Android, iOS, C and C++. Contact CS Group Chandigarh, lead by Mr. Chotu Sharma. For 10 days demo, contact 98157-01003 or 95011-07292.